दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यमुना के जलस्तर में एक बार फिर इजाफा हुआ है। सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर एक बार फिर से खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। सुबह 9 बजे यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर दर्ज हुआ है। इससे पहले यमुना का जलस्तर सुबह 6 बजे 205.25 मीटर दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि यमुना में एक बार फिर से जलस्तर जो है ऊपर जाता हुआ नजर आया है। खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है यमुना का जलस्तर एक बार फिर से। और बता दें कि सुबह के वक्त पर ही जो है यमुना के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा है। और ये हर दूसरे दिन में हो रहा है कि जब एक दिन यमुना का जलस्तर नीचे आता है तो अगले दिन यमुना का जलस्तर ऊपर जाने लगता है। आपको बता दें कि उतार चढ़ाव यमुना के जलस्तर में लगातार बरकरार है। मौसम विभाग ने बारिश का भी येलो अलर्ट दिया हुआ है और जिस तरीके से यमुना अपना प्रकोप दिखा रही है उस तरीके से दिल्लीवासी भी अब भयभीत होने लगे हैं। लोगों को अभी राहत शिविर कैंप से घरों में जाने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि यमुना का जलस्तर अभी सामान्य नहीं हुआ है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारी संवाददाता अनुष्का गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, एक बार फिर से यमुना का जलस्तर ऊपर जा रहा है, लगातार उतार चढ़ाव यमुना के जलस्तर में देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है? बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से यमुना का जो पानी है, 8 दिनों से हम देख रहे हैं कि यमुना काफी ज्यादा उफान पर है और जो स्तर है कहीं ना कहीं घट रहा है, उसके बाद वापस से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है पहाड़ों में होने वाली बारिश। लगातार ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अभी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार उन दोनों ही राज्यों में बारिश हो रही है जिसकी वजह से पहाड़ों का जो पूरा पानी है दिल्ली वो जो है बैरेज के थ्रू दिल्ली की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली नहीं बल्कि आसपास सटे हुए जितने भी इलाके हैं, आगरा की बात करें, मथुरा की बात करें, हर जगह हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से टू वेदर सिस्टम हो रहा है, इस बार जो है मानसून को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई थी कि अल नीनो का असर होगा, लेकिन इंडियन डाइपोल जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अगर मैं सरल शब्द में आपको समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि इस साल कहीं ना कहीं दो वेदर सिस्टम जो है वो नजर आ रहा है उसकी वजह से, क्योंकि बारिश जो है उसका इफेक्ट जो है ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इस वजह से नदी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नदियां जो है वो काफी ज्यादा उफान पर नजर आ रही है, इस वजह से बैरेज तक भी जो पानी है उसको रोक के रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और लगातार कई क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में भी हम देख रहे हैं काफी ज्यादा लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस तरीके से चेतावनियां जारी की गई है। राहत शिविर कैंप में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये कहा गया है कि अभी वो अपने घर की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि अभी भी जो सिचुएशन है वो सामान्य नहीं बनी है। खतरे के निशान पर रहना भी यमुना के लिए एक काफी गंभीर विषय है क्योंकि लगातार पानी अगर थोड़ा भी बढ़ता है तो लोगों की समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पे पानी घुस गया, लोगों के जो फर्स्ट फ्लोर है वो अभी भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पानी के अंदर जो है वो समाये हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो पूरा फर्नीचर है वो बह के बाहर निकल गया, कई सारे दुकानें थी वो बह गई। ठीक है अनुष्का, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए दिल्ली में खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि यमुना के जलस्तर पे लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।